के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपी के सीएम पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर राष्ट्रीय यदुवंशी परिषद ने जताई नाराजगी। विरोध में जलाया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला। तमंचा से आतंकित कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित चार बदमाशों को श्योपुर पुलिस ने धर दबोचा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में रामचरितमानस नवाहन परायण ज्ञान महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। और त्रिपुंड लगाए चुटियाधारी बटकों ने जय नारायण के मैदान में लगाए चौके छक्के। और अब खबरें विस्तार से। एमपी के सीएम पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर राष्ट्रीय यदुवंशी परिषद ने नाराजगी जताई है। वह विरोध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूका। वाराणसी जिले के आशापुर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का राष्ट्रीय यदुवंश परिषद के लोगों ने पुतला दहन कर विरोध किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता अंकित यादव ने कहा कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आजमगढ़ दौरे पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कठपुतली तो सुना था, बद पुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो कहना क्या है, उनको सुनना क्या। बता दें कि मोहन यादव पूरे देश में इकलौते यादव मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कई दशकों तक कड़ी मेहनत कर अपना मुकाम बनाया है। आप गलती से एक बार मुख्यमंत्री बन गए। अखिलेश यादव पर पूरा प्रदेश इस बात पर सहमत होगा कि अगर आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो लेखपाल नहीं बन पाते। देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री पर आपका यह अशोभनीय व्यंग्य इस बात का प्रमाण है कि आप कितने अस्तरविहीन राजनेता हैं। अपने परिवार और बच्चों के अलावा कोई यादव आगे बढ़ जाए तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। अखिलेश यादव जब तक पूरे यादव अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं, तब तक यादव समाज उनका पुरजोर विरोध करेगा। पुतला दहन सिर्फ एक शुरुआत है, बिना माफी मांगने तक जन आंदोलन के रूप में करेंगे। जो मोहन यादव जी एमपी के आजमगढ़ के कार्यक्रम में उनको बहुत अपशब्द टिप्पणी किए हैं, जो कि वो जलन के भावना से, उनको ये जलन है कि दूसरा यादव कैसे मुख्यमंत्री बन गया, जबकि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको पूरा यादव समाज ठुकरा चुका है, वो एकदम हताश और निराश हो चुके हैं, उनका दिमागी संतुलन खो चुका है, कब क्या बोल देंगे कोई ठीक नहीं उनका। इसलिए अखिलेश जी, जब तक हम लोग प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश जी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन उनके खिलाफ छिड़ गया है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे नेतृत्व से, हमारे पूरे प्रदेश, हमारे यादव समाज से भी, तब तक ये आंदोलन पर डे हम लोग जारी रखेंगे उनके खिलाफ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा यूपी में राहुल गांधी का मेहनत करना बेकार है, क्योंकि यहाँ बीजेपी 80 में 80 सीटें जीत रही है। शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई मतलब यूपी में नहीं है, बीजेपी यूपी में पूरी 80 की 80 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यह लोग भेषधारी लोग हैं, इनके दिल में क्या है, मन में क्या है, चेहरे पर क्या है, यह कभी स्पष्ट नहीं होता। चुनाव आता है तो यह लोग कोट पर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। रायबरेली की सीट सोनिया गांधी द्वारा छोड़े जाने पर ब्रिजेश पाठक ने कहा कि उनको पता है कि वो वहां से हारने वाली है और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, जनता ने उन्हें कई बार नकार दिया है, उनकी नीति और एजेंडे को जनता बिल्कुल नापसंद कर रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतेगी। दर्शन भी है, विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। अभी अभी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के लिए हम लोग जाएंगे। राहुल गांधी भी वहाँ जा रहे हैं दर्शन पूजन के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, जबकि राम मंदिर बन रहा था। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आता है तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी
स्पष्ट नहीं दिखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80-80 सीटें जीतेगी। सर्व समाज का आशीर्वाद समर्थन माननीय मोदी जी को। अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं तमाम, वो तो उनका अपना मामला है, लेकिन इन सभी विपक्षी दलों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। और 14, 17, 19 और 22, अब 24 में भी पूरा सुपड़ा साफ होगा। मोदी जी को आगामी लोकसभा के लिए निर्विरोध भेजे जाने का अखिल भारतीय मनीषी परिषद ने आह्वान किया। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक अपनी काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी को आगामी लोकसभा के लिए निर्विरोध भेजा जाना काशी सहित देश के लिए गौरव की बात होगी। अखिल भारतीय मनीषी परिषद के अध्यक्ष विद्यासागर पांडे व महासचिव दिवाकर द्विवेदी का जो शुक्रवार को पनाड़कर भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव में काशी की जनता ने भारी मतों से श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में भेजा। मोदी जी ने पत्रकारों को नामांकन के समय उत्तर देते हुए कहा था कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, काशी की ड्योढ़ी को प्रणाम किया था और उसी आत्मीय भाव से काशी के बहुसंख्यक जनता ने मोदी जी को विजयी बनाया। 2014 से 2023 तक के कालखंड में सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में प्रारंभ से लेकर अब तक किए गए इनके कार्यों की लिपिबद्ध किया जाए तो कई खंड की पुस्तक तैयार हो जाएगी। मोदी जी ने काशी के लोगों की सोच से भी बहुत आगे जाकर काशी के सांस्कृतिक मूल्यों की और धरोहरों सहित जो विकास की धारा प्रवाहित की, वह देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। अभी भी प्रवाहमान विकास यात्रा अनवरत रूप से जारी है। 2017 में प्रदेश में शासन परिवर्तन के बाद लगता है कि काशी के विकास में पंख जुड़ गए हैं। अतः अब समय आ गया है कि इस युग पुरुष राजनीति संस्थाएं अपना स्वधाम मानकर मोक्षदायिनी काशी माँ गंगा भारत देश और पूरे विश्व के लिए किए गए कार्यों के लिए अनुग्रहित भाव से लोकसभा के आगामी चुनाव में निर्विरोध रूप से लोकसभा भेजकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। अखिल भारतीय मनीषी परिषद की ओर से हम काशी के जन जन से, सभी राजनीतिक दलों से यह अपील करते हैं कि इस अवसर को काशी की जनता अपने हाथ से न जाने दे और आग्रह पूर्वक इस युगादृष्टा महापुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को संसद में निर्विरोध भेजे। काशी की तमाम संस्थाओं को, तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों को और मठ मंदिर सभी को ये हमारी तरफ से ये संदेश देने का है कि सब आगे आए और माननीय प्रधानमंत्री को पुनः यहाँ से निर्विरोध संसद में भेजें। पृथ्वी राज जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। पृथ्वी जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज शुक्रवार को सर्किट हाउस के सभागार में श्रम विश्राम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर व भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के समक्ष भाजपा का दामन थामा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पृथ्वी जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षी दल के नेताओं को भी भाजपा में आने का आग्रह किया। जनपद वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, जो वर्तमान में MLC भी हैं, और हमारे बैठक में कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी उपस्थित रहे हैं, जिनके समक्ष आज हमारे पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक को संपन्न किया है। अब बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित और देश में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनाने का हम लोग काम करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। त्रिपुंड लगाए चुटियाधारी बटुकों ने जय नारायण के मैदान में चौके छक्के लगाए। शासात महाविद्यालय दशाश्वमेध के 80वें स्थापना उत्सव पर आयोजित संस्कृत क्रिकेट मैच के भव्य आयोजन रेवड़ी तालाब स्थित जय नारायण इंटर कॉलेज के प्रांगण में हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वेद पाठी बटुकों ने क्रिकेट मैच खेलकर समाज को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे हाथों में शास्त्रों के अलावा यदि क्रिकेट का बल्ला भी होगा तो उसमें भी पीछे हटने वाले नहीं है।
मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बटुकों से संस्कृत में परिचय प्राप्त किया तथा इसके बाद कुछ गेंद बटुकों से डलवाई व स्वयं उनके साथ क्रिकेट खेल कर आयोजन का उद्घाटन किया। शुरुआत में संस्था के राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य तथा संयोजक डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री व संस्कृत भाषा के विद्वान डॉक्टर विनोद राव पाठक ने मुख्य अतिथि को माल्यार्पण व अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा, संस्कृत भाषा व इसके छात्रों के उत्साह वर्धन हेतु इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे प्रचार तथा प्रसार में बढ़ोतरी होती है। अतः बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे वह खेल का ही क्षेत्र क्यों न हो। संस्कृत में कमेंट्री व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर शेष नारायण मिश्र व पंडित विकास दीक्षित ने किया। कार्यक्रम संयोजक व संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन देश में अपने में अनोखा है, इसी कारण इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। मैच के सारे नियम लगभग किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के ही समान थे। अंपायर की भूमिका में पूर्व खिलाड़ी धीरज मिश्रा व संजीव तिवारी तथा रेफरी के रूप में डॉक्टर अशोक पांडे शामिल थे। इस एक दिवसीय मैच में चार टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें शास्त्रार्थ महाविद्यालय इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल संस्कृत संस्थान, चल्ला शास्त्री वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय तथा महर्षि महेश योगी संस्थान थे। संस्कृत के छात्रों ने मंगलाचरण व वेद मंत्रों का पाठ करते हुए मैदान में प्रवेश किया। तिलकधारी व लंबी लंबी चुटियाधारी धोती कुर्ता पहने हुए क्रिकेटरों को देख मैदान पर उपस्थित सभी दर्शक काफी रोमांचित हो गए। इन बच्चों के चौकों छक्कों पर तो सभी ने जोरदार तालियां भी बजाई, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता रहा। संस्कृत में चतुर धावना का तथा षड धावना का से पूरा मैदान गुंजयमान रहा। विशिष्ट अतिथि पार्षद विजय त्रिवेदी व पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सारनाथ पांडे तथा जय नारायण इंटर कॉलेज के प्राचार्य वीरेंद्र श्रीवास्तव थे। जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह भी मैच में संस्कृत विद्यालयों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे थे। डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, विनीत तिवारी, अमन त्रिवेदी, ब्रजेश शुक्ला आदि संयोजन में रहे। हमारे देश की पौराणिक परंपरा है, जिसको गुरु जी द्वारा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ विगत कई वर्षों से इस संस्कृत में क्रिकेट मैच कराने का कार्य इन्होंने आरंभ किया, जो बहुत ही हमारे संस्कृति और हमारे देश को अपने पौराणिक स्थिति पर ले जाने के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। भारतीय संस्कृति की पहचान हमारी संस्कृत भाषा में है, और उस संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए मैं संस्कृत पढ़ने वाले वेद बटुक विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष अभिनंदन इस क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से करता हूँ, जिससे उनका उत्साह वर्धन हो और वे भविष्य में भी मुख्य धारा से जुड़ सके। धोती कुर्ता के मैच में क्या धोती कुर्ता इनका पारंपरिक गणवेश है। हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले छात्र धोती कुर्ता ही पहनकर शिखा सूत्र से आबद्ध होते हैं। यह उनका कर कहा जाए तो पारंपरिक वेशभूषा है उनकी, उसी पारंपरिक वेशभूषा में वो यह क्रिकेट मैच, जिसे संस्कृत में दंड कंदुक प्रतियोगिता भी हम कहते हैं, ये प्रारंभ किया गया है, जिससे इनका उत्साह वर्धन हो और ये भविष्य में अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। कोतवाली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया व उनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की। कोतवाली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को काजी सराय हरौआ बड़ा गांव से गिरफ्तार कर 5 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का खुलासा शुक्रवार को डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने अपने कोतवाली स्थित कार्यालय पर कहा कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास को संकलित करने के लिए पुलिस न्यायालय से रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा के गार्ड राकेश यादव की बाइक को हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 7 के सामने से चोरी की गई थी, जिस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से कोतवाली पुलिस ने शुभम चौरसिया निवासी लल्लापुरा सिगरा, राज बहादुर गुप्ता निवासी वीरभानपुर बदलापुर, हाल पता छोटी मलैया मलिन बस्ती और पप्पू विनोद यादव निवासी रहुआ खुर्द एम दुर्गावती को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि पैसा कमाने के लिए वाराणसी शहर में मोटरसाइकिल की चोरी की फिराक में
घूमते रहते थे। जैसे ही हम लोगों की उस मोटरसाइकिल पर नजर पड़ती है जिसका मालिक अपने वाहन को खड़ी करके काम से कहीं चला जाता है, हम लोग तुरंत उस मोटरसाइकिल के पास जाकर उसको वहां से चोरी कर लेते हैं और चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने के लिए अपने साथी पप्पू उर्फ विनोद यादव की कांचीसराय में स्थित क्वींस डेयरी के अंदर छिपा कर रखते हैं और वहीं से ही हम लोग मिलकर मोटरसाइकिल की ग्राहक की खोज करके बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसको हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। पुलिस ने गार्ड की चोरी गई बाइक पैशन प्रो के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की गई चार अन्य बाइक भी बरामद की है। थाना कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है जिसमें एक अंतरराज्यीय जो गैंग है उसको पकड़ा गया। इसमें तीन अभियुक्त हैं, शुभम चौरसिया, राज बहादुर, पप्पू। इसमें से जो शुभम चौरसिया लोकल का रहने वाला, राज बहादुर जो है जौनपुर का, पप्पू जो है बिहार का, ये तीनों व्यक्ति मिल के संगठित रूप से चोरी बाइक चोरी का काम करते थे और उसके बाद उस पैसे से अपना जो भी है पैसा यूज़ करते थे बेच के। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी 11/2 को जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि हॉस्पिटल के पास से कबीर चौराहा के पास से बाइक चोरी हो गई थी। उस पर हमारी टीम ने और ACP कोतवाली के नेतृत्व में जो हमारी सर्विलांस टीम है वो लोकल जो थाने की टीम उसने वर्क किया तो इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की गई। बाद में पता चला उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो तीनों को पकड़ा गया। इनके पास से 5 बाइकें बरामद हुई हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के मुकदमे लिखे गए हैं। कनेक्ट किया जा रहा है सभी को और ये भी पता किया जा रहा है कि इनके ऊपर कोई और भी हिस्ट्री अगर है कहीं जनपद से, बिहार से या UP के अन्य जनपदों से, तो उसको भी निकाला जाएगा और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई। तमंचा दिखाकर लोगों को आतंकित कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमंचे से आतंकित कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित 4 बदमाशों को शिवपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से लूट की मोबाइल, देसी तमंचा, लूट के पैसों में शेष बचे 8,590 रुपए नगद और किराए पर लिया हुआ कार बरामद हुआ। घटना का खुलासा DCP वर्णा जोन और ACP कैंट विद्युत सक्सेना ने पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। DCP वर्णा जोन ने प्रेस वार्ता में बताया कि चारों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 2 फरवरी की शाम को इन्होंने कादीपुर निवासी दिलीप कुमार सोनकर के छोटे भाई साहिल को गांधुपुर रिंग रोड काशी लान के पास कट्टा दिखाकर जबरदस्ती कार में बैठाया और मारपीट कर बैग में रखे करीब 25,000 रुपए और उसमें ATM का पिन पूछकर बड़ा गांव स्थित ATM से 20,000 रुपए निकाल लिए। सुबह लगभग 4 बजे साहिल को आरोपियों ने कार से ले जाकर काशी धाम लान के आसपास ही रिंग रोड पर घायल अवस्था में छोड़कर भाग निकले। शिवपुर पुलिस ने मुखबिर व सर्विलांस टीम की मदद से एक बाल अपचारी समेत कुल 4 आरोपी को अलग अलग स्थानों और समय में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में आशिक अंसारी निवासी रसूलपुर थाना बड़ा गांव, आफ्ताब निवासी रसूलपुर, प्रेमनाथ पटेल निवासी कृष्णापुर कला और एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। ADCP ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हम 4 लोग तथा छोटू पांडे हम 5 लोग आपस में मित्र हैं तथा 2 फरवरी की शाम को योजना बनाकर हमने काशी धाम लान रिंग रोड दांदूपुर के पास से एक व्यक्ति को खट्टा दिखाकर डरा धमका कर किराए की गाड़ी होंडा अमेज में उसको बैठाकर पूरी रात रिंग रोड तथा अन्य जगहों पर घुमाते व मारते रहे तथा ग्राम रसूलपुर के पास ले जाकर सुनसान जगह पर उस आदमी को डंडा व राड से खूब मारे पीटे और उसका 25,000 रुपया नगद लूट लिया तथा उसको मार मार कर उसके ATM का पिन कोड पूछ कर उसके ATM कार्ड से 20,000 रुपए बड़ा गांव के SBI ATM से निकाल लिए थे और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। उसके बाद उसको रिंग रोड पर 4 बजे भोर में अधमरा छोड़कर भाग निकले। थाना शिवपुर में दिनांक 2 फरवरी 2024 में वादी दिलीप कुमार सोनकर के साथ लूट की घटना हुई थी। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की कर आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तार की गई हैं जिनके कब्जे से एक 315 बोर की अवैध कट्टा, एक मोबाइल जो छीना गया था लूट में और 8,590 रुपये नगद और साथ ही साथ एक होंडा अमेज जो गाड़ी घटना में यूज हुई थी वो भी बरामद हुई है। ये इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें से एक जुवेनाइल है, एक नाबालिग है और बाकी अभियुक्तों का नाम है आशिक अंसारी, आफ्ताब और प्रेमनाथ पटेल। ये तीनों थाना बड़ागांव का रहने वाले हैं। अभी तक जांच में ये पाए गए हैं ये इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं वो देखा जा रहे हैं और साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी सक्षम अधिकारियों की कस्टडी में दिया जाएगा और इसमें आगे के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में रामचरितमानस नवाहन परायण ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। पूजा समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति स्वामी महामंडलेश्वर आशुतोष आनंद महाराज, महंत जगदीश दास महाराज, प्रदेश अध्यक्ष संकट मोचन स्वामी निर्मलानंद महाराज, उड़ीसा आचार्य सूर्यलाल शास्त्री के नेतृत्व में श्रृंगार गौरी पर वेद मंत्र का पाठ भूदेव द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने किया। स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा, रिकॉर्ड में यह कथा 66 वर्ष का है, परंतु यह कथा बाबा तुलसीदास के जमाने से चली आ रही, औरंगजेब भी इस कथा को रोक नहीं पाया। जब तक सूर्य और चंद्रमा विराजमान है तब तक यह श्री राम कथा इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में होती रहेगी। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष आनंद गिरिजी महाराज को समिति के पदाधिकारियों द्वारा काशी विश्वनाथ मानस ज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। विश्व शांति हेतु अनवरत महायज्ञ का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वामी राघवानंद जी महाराज, महंत जगदीश दास जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जितेंद्र जी, एल एन कपूर, राधेश्याम लोहिया, देवेंद्र कुमार पाठक, चंद्रशेखर सिंह, सुनील शर्मा, ललन प्रसाद प्रजापति, नवीन पाठक, सर्वज्ञ मिश्रा, अमन कुमार सिंह, रवि मिश्रा आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। श्रृंगार गौरी के पूजन से प्रारंभ हुआ राम कथा काशी सत्संग समिति के द्वारा। औरंगजेब के समय में जब काशी ज्ञानवापी का मंदिर तोड़ दिया गया तो काशी के ब्राह्मणों ने निर्णय किया कि हम बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाएंगे वर्ष में एक बार। यह 9 दिन की कथा माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती है। इस 9 दिनों के कथा का उस समय से तो रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हो रहा, परंतु जब से सरकारों ने रिकॉर्ड रखने शुरू किए तब से ये 66वां वर्ष है कि जब 66 वर्षों से परमिशन दे करके यह कथा होती है और राम राज्याभिषेक के दिन अथवा भगवान राम के जन्म के दिन कितने पटाखे फूटेंगे इसका भी रिकॉर्ड रहता है। तो आज बाबा विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, ज्ञानवापी मुक्त हो इसके लिए माँ श्रृंगार गौरी का पूजन और नंदीश्वर भगवान का पूजन, जिनकी प्रतीक्षा जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो, और ज्ञानवापी तल गृह में भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ। घाट संध्या में केतकी दीक्षित एवं वर्तिका सिंह ने उपशास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुति की। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या में बनारस के युवा कलाकार षडश संगीत अकादमी की छात्राएं केतकी दीक्षित एवं वर्तिका सिंह ने उपशास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुति की। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात कथक तराना, संपूर्ण रामायण, समापन भाव नृत्य, जा तुसे नहीं बोलू कन्हैया की प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकगण के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन अभय शंकर मिश्रा, नवल किशोर गुप्ता प्रशिक्षक ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर नंदिनी सिंह, उद्योग केसरी, प्रवीण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।